How to create a company in a Tally ERP 9. So press Alt with F3 button and create company. The option dekh sakte hain. And type your company name beyond in the space. An address. And select your country, India, and select your state, add your pin code, add your phone number, skip, and you can add your email. यहाँ पे जब आप फाइनेंशियल ऐड करिएगा तो जैसा क्या लगेगा, जैसे अभी चल रहा है 2018 की बात हो रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/18 और इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा 31/3/2019। तो हमें यहाँ पर रखना होता है 1/18, ये ऑटोमेटिक ले लेता है डेट 31/3/2019। इसके नीचे ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यहाँ पे ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि जो बिगनिंग का अर्थ होता है शुरुआत करना। यदि आपकी कंपनी अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है वो आप डेट दे सकते हो। यदि आपका कंपनी अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो आप 1/18 भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी कंट्रोल आप रखना चाहते हो तो पासवर्ड भी ऐड कर लो, वरना अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक चीज़ देख लो, बेसिक करेंसी सिंबल, अगर आपका यूपीस में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप रुपीस ऐड कर सकते हो, अदर सिंबल के लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पे इसका नाम होता है इंडियन रुपीस और सिंबल ऑफ अमाउंट एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सो मिलियंस एंड डेसिमल पॉइंट्स। जैसे डेसिमल पॉइंट का होता है कि जैसे लिखा होता है 100 रुपये, तो 100 रुपये की बात करें तो 100.00, तो इसका डेसिमल पॉइंट होता है 2। और पैसे में लिखा होना हमें यहाँ पे ये कंपनी बन चुका, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिहाना इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे दो कंपनी दिख रही होंगी। यहाँ पे हम एक सर्ट ऑप्शन पे जा करके शर्ट कंपनी में क्लिक करके एक जो पहले से ओपन था कंपनी उसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ रिहाना इंडस्ट्रीज, हमने दिया था 1/4/2018 और यहाँ पर लिखा हुआ 31/3/2019, ये ऑटोमेटिक ले चुका। और आज का जो हम लोग का करेंट डेट में था 1/4/2018 वो यहाँ पे आ चुका। और यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ कंपनी वियान और लिख रहा है यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो यहाँ पे अभी हमने कोई एंट्री नहीं किया है। यहाँ लिखा हुआ है